टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिंबायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बुधवार 17 मार्च को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगी। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह पावन पर्व हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार लालू प्रसाद यादव सारण लोकसभा सीट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य आरजेडी की प्रत्याशी है। पीएम मोदी ने रामनवमी की देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मेरा मन भाव विभोर और कृतार्थ है। ये श्री राम की परम कृपा है कि इसी वर्ष अपनी कोटि कोटि देशवासियों के साथ मैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना। रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के नौवे दिन छतरपुर माँ कात्यायनी देवी मंदिर में सुबह की आरती की गई। रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सरयू नदी में पावन स्नान करने के लिए श्रद्धालु की भीड़ लगी हुई है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे विमानों हेलीकॉप्टरों के बारे में विवरण देने को कहा है, जिसमें उनके प्रस्थान और गंतव्य स्थान तथा उनमें सवार लोगों का विवरण भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज कोप्पल सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद संगतनाग कराड़ी ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मुंबई के गिरगांव इलाके के सिक्का नगर में पंकज हाइट्स बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर आग लगने की खबर सामने आई है। बीएमसी ने कहा है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में आंबेडकर जयंती के दिन लोग डीजे पर उत्सव का आनंद ले रहे थे। डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि 250 लोग बीमार पड़ गए। आनंद फानंद में सभी लोगों को 70 अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच निवेशकों के रुझान में भी तेजी आ रही है, जिससे म्यूचुअल फंड सेगमेंट में भी गतिविधियां तेज चल रही है। अजय देवगन के मैदान को दर्शकों ने नकार दिया है। फिल्म की रिलीज के 6 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर बंटादार हुआ नजर आ रहा है। अक्षय कुमार की 11 अप्रैल को बड़े मियां छोटे मियां फिल्म आई। फिल्म एक हफ्ते में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। अब हालात ऐसे हैं कि बजट निकालना ही मुश्किल हो गया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।